बिहार में सड़क से सदन तक जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर हंगामा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। वहीं इसी बीच शुक्रवार को सड़क पर उतरे लोजपा नेता और कार्यकर्ता राजधानी पटना के इनकम टैक्स चौराहा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गद्दी छोड़ने के साथ साथ दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। लिया है, एप्लीकेशन दिया है, बराबर मेल के माध्यम से आज थाना को भी हमने सूचना दिया है और ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। पूरे बिहार महाराष्ट्र का माहौल है। मसरख में 50 से ऊपर की संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। ये नीतीश कुमार की शराबबंदी का घोषणा साबित हुआ है और ये जानदान आंदोलन पूरे बिहार में चलाया जाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल हमारे चिराग पासवान जी मसरख जा रहे हैं और आगाज है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं कि चेत जाइए, बंद करिए जहरीली शराब पीने वाले जो मौत हो रहा है, जो अपराधियों से, जो मिली भगत से, प्रशासन के मिली भगत से जो बनाया जा रहा है, इसको बंद करिए। कितने कब तक खामोश रहिएगा? लोग रोज प्रतिदिन मर रहे हैं। नीतीश जी बोल रहे हैं हसन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज इनका सुशासन कहाँ गया? रात भर में पलटू चाचा के नाम से जिस व्यक्ति ने इनको फेमस किया, आज उसी के गोद में जाकर के बैठ के सरकार चला रहे हैं। और जो बिहार का चिंता ये व्यक्त कर रहे हैं, यही आए दिन छात्रों को ऐसे पीटा जा रहा है जैसे आतंकवादी हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, सरकार के नाम पर जिस तरीके से ठगा जा रहा है जैसे व्यापारी है, और दारू जिसका शराबबंदी का घोषणा इन्होंने पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा में पारित किया था, आए दिन लोग मर रहे हैं। अरे कहाँ है सुशासन बाबू? इसका जन आंदोलन का शुरुआत आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कर दिया है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सारण जिला छपरा जिला के धरती पर जाएंगे और यह एक बड़ा आंदोलन छिड़ेगा जब तक कि बिहार के हित में, बिहार के लोगों के